करके दे देगी। गुलाबो इन कपड़ों को जरा स्त्री कर दो, इसमें मेरे दामाद के भी कपड़े हैं। अच्छा बाजी, काम तो करने देती नहीं, बस बुलाती रहती है। थक गया यार, बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ अब। अरे गुलाबो ये काम करता। अरे गुलाबो छोड़ो, इसे मैं करता हूँ। दो बड़े भैया आप करेंगे? हाँ मुझे आती है, चल। देखा गुलाबो, आता है मुझे करना। बड़े भैया देखे जल गई। ओह दादी देख के क्या कहेंगी। दादी हमें आपको कुछ दिखाना है। कहो बेटा। आपके दावत के कपड़े जल गए। किसे जलाइए? मैं तुम्हें बोला भी कैसा ना गुलाब, उसको दे देते। क्यों दिया तुमने? नहीं, अब एक ही हल है, ये कपड़े दादी को ऐसे ही दे देते हैं। दादी वैसे भी दिखेंगी दादी जल्दी में, दादी पहन के चले जाएंगी, फिर वापस आएंगे, फिर तब की तब दिखेंगे। चलो गुलाब। दादी ये लें आपके दावत के कपड़े। पूछिए ये पहनने के बाद इतनी घबराहट क्यों हो रही? गुलाबो दादी, मैं तुम्हारा रखा था। मैं दादी आप आगे दावत में से नहीं जा रही हूँ, ठीक है? ये शर्मान है दादी, वो तो मुझे भी देखना मैं धी रही हूँ। ये किसे चलाई है? ये मेरे दावत के कितने कपड़े, मैंने तुम्हें कहा भी था कि हाथ से स्त्री का नजर आती तुम दे। दादी तुम गुलाबो की कोई गलती नहीं है, कपड़े मुझसे जाए थे, मैंने जिद करी थी गुलाब को मैं इसलिए करूँगा। अभी चाहिए बेटा मेरी बात सुनो। बेटा आपसे चले तो आप अपनी आप अपनी गलती बांटते और आप मुझे बताते ना, ताकि मैं आपको दूसरे कपड़े दे देती। आपने मुझे बताया नहीं, इसलिए सबने देखो तो मेरा कितना मजाक उड़ाया कि देखो इसके कपड़े फटे हुए, इसके ये हुआ हुआ है, इसलिए सबने मेरा इतना मजाक उड़ाया। मुझे बता देते मैं आपको दूसरे कपड़े दे देती। सॉरी दादी, अब आप लोग को सबक मिल गया है, ऐसे ऐसे नहीं करना। तो गाइस हमें क्या मूड मिला कि हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए और अपने बड़ों को बता देना चाहिए, वरना ये आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।